हेलो फ्रेंड्स, आपका वे टेक्निकल में स्वागत है और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लाऊँ। जैसे मैं आपको MIUI 9 के ग्लोबल बीटा वर्जन 8.5.19 का रिव्यू देने वाला हूँ। तो ये अपडेट मुझे अभी अपने डिवाइस पे देखने को मिला है, जो कि रेडमी नोट 3 है, जो कि MIUI 9 के ग्लोबल बीटा पे रन कर रहा है। अगर हम सिस्टम अपडेट्स पे जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि डिवाइस ऑलरेडी अपडेटेड है। और अगर हम यहाँ 3 डॉट्स पे व्हाट्सएप जाते हैं तो हमें यहाँ पर बस अदर में 2 ही चीज़ें मैंशन देखने को मिलती है, जो कि ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड फिक्स बग। और हमें कोई ज़्यादा खास चीज़ें इस अपडेट में देखने को नहीं मिलती है। और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये अपडेट बस हमें राहत पहुंचाने के लिए दिया गया कि MIUI डेवलपर्स ने हमें अपडेट पुश करा है, बस हो गया। इस अपडेट का यही मतलब है, बाकी हमें इस अपडेट में कोई ज़्यादा खास चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। वही हमेशा की तरह इम्प्रूव परफॉर्मेंस कहकर चेन लॉग में लिख देते हैं, जो कि हमें हमेशा की तरह नॉर्मल देखने को मिलता है। और बात करें स्टोरेज में, तो यहाँ पर जो अदर फाइल्स का सेक्शन होता है, यहाँ पर अपडेट के बाद बस फाइल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि हमारी स्टोरेज की अवेलेबिलिटी और बढ़ जाती है, जो कि अच्छी बात है। तो ये एक था छोटा सा रिव्यू MIUI 9 के ग्लोबल बीटा वर्जन 8.5.19 का। और आपको फ्राइडे को एक बहुत ही बढ़िया अपडेट मिलने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया फीचर्स देखने को मिले हैं। तो थोड़ी देर में आपको वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जब तक, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी नई वीडियो का, जो कि MIUI 9 के ग्लोबल बीटा से रिलेटेड है नए अपडेट की। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।